नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और इस वक्त मारुति केएमपी टोल को फ्री कराने के लिए किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। किसान इस बात पर आमादा है कि टोल को फ्री करवाया जाएगा, क्योंकि वो लगातार बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं और जब तक इन कृषि कानूनों पर उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक कोई भी टोल शुरू नहीं होने दिया जाएगा। किसान और पुलिस आमने सामने है, किसान टोल फ्री कराने पर अड़े हुए हैं और पुलिस टोल को चालू रखना चाहती है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, इधर ये किसान काफी संख्या में किसान यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। पिछली बार 2-3 दिन पहले भी किसान यहाँ पर एकजुट हुए थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन ने 22 तारीख तक का समय मांगा था। आज वो समय पूरा हो गया और किसान अपने वायदे के मुताबिक टोल फ्री कराने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से किसान इस वक्त बात कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, एसडीएम और किसान नेता खापर खान इस वक्त बात कर रहे हैं कि टोल को फ्री करवाना है और टोल फ्री करवाए बिना वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। टोल फ्री सही है इसके हिसाब से, किसान की तरफ से कोई हिंसा होगी नहीं। सड़कें भी पूरी तरीके से अब ब्लॉक कर दी है किसानों ने। किसानों का कहना है कि केएमपी पर जो टोल वसूली की जा रही है उस टोल वसूली को बंद करो, ताकि किसान अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट किसानों का पूरा हो और उनकी मांग पूरी हो। ये देखिए, सड़क पर दोनों तरफ किसानों ने अब अपने ट्रैक्टर्स लगा दिए हैं। ट्रैक्टर्स इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन के साये में उधर टोल वसूली हो रही है। ये किसान देखिए अब आगे बढ़ चले हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसान अब आगे बढ़ चला है कराने के लिए। नारों के साथ किसान अब टोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप सामने देखिए, एसडीएम डीएसपी भी साथ में है। एसडीएम डीएसपी के साथ साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए मोर्चेबंदी हो चुकी है एक तरह से। इधर पुलिस के जवान और इस तरफ किसान, किसान और जवान आमने सामने। मुद्दा केएमपी टोल फ्री कराने का है। किसान भी अपनी जिद पर अड़ा है, प्रशासन भी अपनी मजबूरी बता रहा है। ये देखिए किसानों का गुस्सा इस वक्त चरम पर है। टोल जो फ्री था उसको जबरदस्ती क्यों शुरू करवाया गया? ये देखिए, ये है मानोठी के पास बना केएमपी टोल। यहाँ से केएमपी पर दिल्ली चंडीगढ़ जाने के लिए या गुड़गांव जाने के लिए लोग एंट्री करते हैं और रोहतक जाने के लिए यहीं से वापस होते हैं। केएमपी पर टोल वसूली पुलिस के साये में इस वक्त जारी है। ये देखिए, भारी पुलिस बल यहाँ इस वक्त मौजूद है और उसी पुलिस बल के सहारे यहाँ पर टोल वसूली हो रही है। किसानों को रोकने के लिए इस वक्त पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर मौजूद है और किसान यहाँ अपनी ताकत के साथ इकट्ठा होकर आया है ये कहने के लिए कि आज किसी भी सूरत में इस टोल को फ्री करवा कर ही जाएंगे। केएमपी पर टोल वसूली को आज हर सूरत में किसान फ्री करवा कर रहेंगे। ये देखिए किसानों की भीड़, ये किसानों की भीड़ इस वक्त, अभी कुछ देर पहले केएमपी टोल से ठीक नीचे पर किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई। दोबारा किसानों से जुड़ते हैं, सीधा जानते हैं कि पिछली बार जब आए थे तब क्या आश्वासन मिला और इस बार
ऐसा क्या हो रहा है कि वो किसान टोल फ्री कराने पर अड़े हुए हैं? आप लोग पिछली बार भी आए थे आज का वक्त दिया गया था, तो आप क्या कहना प्रशासन? प्रशासन से बात चल रही है जी, इन्होंने उस टाइम 21 तारीख नहीं, किसान है तो किसान को पीटे, गोली मारना चाहे तो मारे, लेकिन किसान हाथ नहीं उठाएगा। किसान सिर्फ खड़ा होगा, पिटेगा, रोड पे पिटेगा, गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन हाथ उठा नहीं, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा प्रशासन पे, कोई भी किसान पत्थर तक नहीं उठाएगा। लेकिन प्रशासन अभी कह रहा है कि जो सरकार के आदेश हैं, हर जगह टोल वसूली हो रही है कैंपे पर, तो उस बात पर आप लोगों का क्या कहना? नहीं, सरकार के आदेश है इतने तक, सरकार के आदेश के अनुसार ताड़े पड़े हैं। हम तो कानून भी ना चाहते, सरकार ने बना दिया, वो कानून के चक्कर में हमारे पड़े हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण तो किसान आज रोड पर खड़ा है, नहीं किसान ने क्या जरूरत थी, वो अपने फसल उठाकर अपने घर ना आराम करता। अब ये 42 के टेम्परेचर पर किसान दोपहर में खड़ा है, तो ये सरकार के आदेशों का तो खड़ा उड़े सब कुछ। सरकार के आदेशों के खिलाफ ही किसान का यह आक्रोश है, और किसान ये कहने आया है कि टोल फ्री करवा कर ही छोड़ेंगे। ये दलाल खाप के प्रधान भूप सिंह की अध्यक्षता में ये सब काम हो रहा है। दलाल खाप के प्रधान भी इकट्ठा होकर, दलाल खाप के लोग इकट्ठा होकर, और उनके साथ जो टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वो किसान इकट्ठा होकर यहाँ पहुँचे हैं। ये आप सामने देखिए, अब किसान सड़क पर ही बैठ गया है, सड़क पर ये किसान बैठे हैं। पुलिस प्रशासन से बात नहीं बन पा रही है, इसलिए इन किसानों ने अब सड़क को ही अपना आशियाना बना लिया है। और आप इस तरफ देखेंगे, ये तस्वीर दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाएं, तो पुलिस के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं, दंगारोधी किट के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं। 3-3 DSP मौके पर मौजूद हैं, SDM भी मौके पर मौजूद है, व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि किसानों को कैसे मनाया जाए। किसान साफ तौर पर यही कहना चाहता है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों पर सरकार किसानों की बात नहीं मान लेगी, तब तक कोई भी टोल वसूली नहीं की जाने देगी। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। आप लोगों की पिछली बार जब प्रशासन से बात हुई थी, तब क्या हुआ? आज का टाइम मांगा था 22 तारीख को खोल जाएंगे, आज ये चाहे कितना टाइम लगे इसको बंद करवा के जाएंगे। आज क्या कह रहा है प्रशासन अभी? आज प्रशासन जो कह रहा है, बात करके बताते हैं, बोल बतला के बताते हैं, पर किसान नहीं मानेंगे। तो आज आप जब तक टोल फ्री नहीं होगा, तब तक यही धरना चलेगा? जब तक यहाँ भंडारा भी चलेगा और धरना भी चलेगा। यहीं पर भंडारा भी चलेगा, यहीं पर धरना भी चलेगा। कुछ और किसान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, 4-4.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, 5 महीने होने को आए, लेकिन ये टोल फ्री था, फिर शुरू किया गया, और अब आप लोग दोबारा टोल फ्री कराने आए। हम 3 दिन होलिए जब आए थे, SDM भादरगढ़ और DSP पवन कुमार भादरगढ़ को किसानों ने चेतावनी दे दी थी, 21 तारीख का समय दे दिया था, प्रशासन ने एक दिन का टाइम ले लिया था 22 तारीख का। आज किसान इस टूल को फ्री कराने के लिए आए हैं, चाहे आज धरती और परे न हो जाए, आज किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, इस टूल को फ्री कराएंगे। हमने इस भादरगढ़ को DSP पवन कुमार को बोल दिया था, अगर प्रशासन पीछे नहीं हटा तो यहाँ पर खून खराबा भी हो जाएगा, पहले चेता दिया था किसानों ने। आज किसी भी सूरत में तो टकराव के ही है, हालत टकराव के बेशक हो जाए, किसान उल्टे नहीं हटेंगे, उल्टे हटने वाले लोग नहीं है हमें, खून का बदला खून होगा आज, चाहे यहाँ पर आज खून की नदियाँ बह जाए, आज लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसान काफी आक्रोशित है, आज की लड़ाई लड़ने के लिए लोग आए हुए हैं, आज पीछे हटने का कोई काम नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आज भले ही कुछ भी हो जाए, टोल किसान टकराव की सुस्ती नहीं चाहते। ये भी हमारे ही किसानों के भाई बेटे काका ताऊ हैं, किसान टकराव की सुस्ती नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से टोल फ्री करवाने के लिए आए किसान, और टोल फ्री करवा के जाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, टोल फ्री कराकर ही जाएंगे, अन्यथा यहीं इन्हीं सड़कों पर बैठेंगे, यहीं पर भंडारा भी शुरू किया जाएगा। किसानों ने ऐलान किया था कि KMP पर जब टोल वसूली शुरू की गई थी, तो कि इसी टोल पर किसान धरना देंगे, क्योंकि किसानों का धरना टिकरी बॉर्डर पर भी चल रहा है, पकौड़ा चौक पर भी किसानों की सभाएँ होती हैं। यहाँ दलाल खाप 84 की अगुवाई में किसानों ने ऐलान कर दिया था कि KMP टोल पर, मांडोठी गाँव में ये KMP टोल लगा है, उस टोल की वसूली तब तक नहीं होने दी जाएगी जब तक तीनों कृषि कानूनों की मांग पूरी नहीं हो। ये देखिए, किसान अब सड़क के बीचों बीच में बैठ गए हैं। किसान साफ तौर पर सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती टोल वसूली जारी रखेंगे तो हम सड़क पर बैठ जाएंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत में किसी को यहाँ से ज़बरदस्ती टोल वसूली नहीं करने देंगे। तो किसान, और ये देखिए, एक साइड से जब वाहनों को निकालने की कोशिश हो रही है, तो किसान टकराव हो रहा है। ये देखिए, लगातार सरकार किसानों को समझाने के प्रयास कर रही है, कोविड की स्थिति भी है, लेकिन यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। किसान साफ तौर पर सरकार को
ये बताने के लिए आया है कि तीनों कृषि कानून उन्हें किसी सूरत में मंजूर नहीं है और जब तक सरकार उस पर पीछे नहीं हटेगी टोल वसूली के फैसले को भी किसान किसी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबरदस्ती अगर की करेगी तो ये किसान यहाँ पर बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये टोल फ्री नहीं होने वाला। आप लगातार जुड़े रहिए, हम आपको पूरी अपडेट दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से प्रशासन से बात होती है। प्रशासन के सामने अभी SDM DSP से भी किसानों ने बात की है, लेकिन साफ तौर पर किसानों ने ये कह दिया है कि जब तक टोल फ्री नहीं होगा तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, टकराव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण पुलिस के सामने डटे रहेंगे और किसी भी वाहनों से टोल की वसूली नहीं होने दी जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए सीधे यह किसान जो हैं अब सड़क के ऊपर बैठ गए हैं। किसानों ने लगातार सरकार को पहले ही चेता दिया था, बता दिया था कि ये किसान इस बार अपनी मांगों से पीछे हटने वाले हैं नहीं, किसानों को रोका नहीं जा सकता, किसानों को बहकाया नहीं जा सकता। किसान जिस तरीके से सड़क पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको निकालने के लिए पुलिस रास्ता बनाने का काम कर रही है। कुछ किसान, कुछ युवा किसान हैं गुस्से में हैं, जो ये भी कह रहे हैं कि आज चाहे खून की नदियाँ बह जाए ये टोल फ्री करा कर ही छोड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे किसान जिनकी अगुवाई में, जो युवा किसान जिनकी अगुवाई में, जिन बुज़ुर्ग किसानों के उसमें रहनुमाई में या अगुवाई में काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि टकराव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इस टोल को फ्री करा कर जाएंगे। आप सीधे तस्वीरें ये देखिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, दूसरी तरफ किसान है। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ, एक तरफ पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ किसान। लगातार किसान सरकार को यही बताने के लिए, किसानों ने साफ तौर पर यही कहा है कि ये टोल फ्री करिए, क्योंकि बाकी टोल भी फ्री हैं, KMP पर ही केवल टोल वसूली हो रही है और ये टोल वसूली किसी सूरत में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लगातार शेयर करते रहिए, पंजाब केसरी हरियाणा आपको हर तस्वीर, हर मोड़, हर घटनाक्रम दिखाएगा कि आज KMP पर टोल फ्री होता है या नहीं, किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव होता है या नहीं। हालांकि किसान साफ कह रहे हैं कि टकराव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण डटे रहेंगे और टोल वसूली नहीं करने देंगे। देखिए किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी अब उठने शुरू हो गए हैं।